Shri B. Vyas, worthy advisors to the Honorable Governor. We also welcome Shri Umang Narula, Principal. पूरी स्टेट के चुनिंदा लोगों की मीटिंग और आपको अपने बारे में ये जानकारी रहनी चाहिए कि जिले में जब होते हैं आप तो क्या होते हैं। आप एक तरह से मोर्चे पे हैं, चुनाव घोषित होने के बाद चुनाव का तो आपने तय नहीं किया था, हम लोगों ने तय किया है और आपके ऊपर ये जिम्मेवारी आ पड़ी है। आप इसको पूरी हिम्मत के साथ निभाइए और कामयाबी के साथ इस चुनाव को पूरा करें। ये इलेक्शन न दिल्ली वालों के लिए है, न गवर्नर साहब के लिए है, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लोग चुने जाएंगे, आज तुम्हें अफसर के घर जाते हो फरियाद लेके, तुम्हारे लोग होंगे तो तुम भाई के यहाँ जाओगे, उससे तुम नाराज भी हो सकते हो। उसको फंड मिलना है तो वो जितना रुपया है डेवलपमेंट का वो हर आदमी को तो नहीं दिया गया, उसी को दिया जाएगा, तो आप अपना नुकसान कर रहे। इस इलेक्शन से न तो कश्मीर के चाहे 35A हो या 370 हो, कोई मसला नहीं जुड़ा हुआ है, ये अपनी जगह है। दो खेल हैं उनके जो प्रिय खेल हैं, फुटबॉल है क्रिकेट। फुटबॉल का हमारा इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम तैयार होने को है, क्रिकेट का हम बहुत जल्दी कर लेंगे। और हम मुझको कहा आईपीएल के चेयरमैन ने कि जिस दिन आपका ये इंटरनेशनल लेवल का कंप्लीट हो जाए मैं अपनी टीम भेजूंगा, वो इसे पास कर देंगे तो हम यहाँ पे आईपीएल के मैचेस रखेंगे। एक बच्चा आईपीएल में सिलेक्ट हुआ श्रीनगर का, 20,000 आदमी उसके घर पे मुबारकबाद देने पहुंचा। आईपीएल की हम एक टीम भी बनाने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के नाम। डीसी साहिबान से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने यहाँ हर गांव के पास एक छोटा टुकड़ा आइडेंटिफाई करके खेल के मैदान के तौर पे गांव के बच्चों को दे दीजिए। एक मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोई मौका, खासतौर से पुलिस के अफसरान को, कि कोई मौका किसी लड़के को मत दीजिए कि उसका इतना हैरेसमेंट हो जाए कि उस रास्ते पे चला जाए। मुझे काफी शिकायतें मिली और मैंने डीजी साहब जिस दिन इन्होंने चार्ज दिया मुझे मिले आए थे, तो मैंने सबसे पहले इनसे यही बात की कि इन्होंने कहा कि बताए क्या करना है, मैं कुछ नहीं करना, मेरा तो एक काम है वो कर गया, और वो ये है कि किसी भी इनोसेंट बच्चे को उठा के थाने में नहीं बिठाना है, उसका हैरेसमेंट होता है, उसकी फैमिली जो है वो बदनाम हो जाती है, उनका हैरेसमेंट होता है और उस फ्रस्ट्रेशन में वो लड़का दूसरे रास्ते पे चल देता है। तो ये नर्सरी, इसमें हमारा भी दोष है बच्चों को नाराज करने में और खराब करने में।